एक मिनट, मैं ये कर दूं पहले। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को क्लासेस समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना टाइम मेरे साथ हो गया, आप लोगों ने शिकायत नहीं की मेरे से कोई भी। क्यों क्यों सुरेश जी, कोई शिकायत नहीं की आप लोगों ने? ऐसा क्यों? शिकायत का कभी मौका नहीं देते सर। क्या शिकायत कर सर, आपने मौका नहीं दिया शिकायत करने का सर। सर आपने मौका नहीं दिया शिकायत करने का। सर मेरे समझ से उसके लिए ये क्लास रखना नहीं चाहिए, शिकायतों का दौर। सर अभी नहीं, आपको पता है, आपको पता है अजीत जी की, मैं आपको सही बताऊं तो मैं लास्ट की क्लास ना अपलोड नहीं कर पाता। लास्ट की क्लास मेरी जो आखिरी क्लास होती है ना, जिस दिन मेरा बैच खत्म होता है। अभी देखो मेरे दो बैच खत्म हुए अभी, ठीक है? बैच तो सात आठ खत्म हो चुके, लेकिन रिसेंटली अभी दो तीन दिन पहले मेरा बैच खत्म हुए। कौन से बैच खत्म हुए? एक बैच खत्म हुआ सुबह 10 से 11 बजे का AM का, दूसरा बैच खत्म हुआ 8 से 9 बजे का, ठीक आपसे पहले का, आपसे पहले 8 to 9 PM। ये दोनों बैच खत्म हुए और मैं इन दोनों बैच को YouTube पर नहीं डाल पाया। हालांकि जो बैच मेरे खत्म होते हैं मैं डाल देता हूं YouTube पर कि चलो बैच कमेंट हो गया तो डाल देते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को ही नहीं डाल पाया। और रीजन क्या था आप बता सकते हैं? क्यों नहीं डाला होगा मैंने? क्यों नहीं दिया? सर हेक्टिक शेड्यूल है सर आपका। नहीं, बात हेक्टिक शेड्यूल की नहीं दिया, मैं इसे आराम से डाल सकता था, मेरा दिल भी था डालने का, केवल एक रीजन से। और वो रीजन क्या था कि इन दोनों इसके दोनों क्लास के अंदर जो लोग थे, जितने भी लोग थे, उनमें से एक दो लोग रो पड़े क्लास के अंदर कि सर कल से आपकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी हमें। तो वो बड़ा अजीब सा मोमेंट हो गया, तो मैं उसको डाल नहीं पाया यूट्यूब के ऊपर। सर लेकिन एक ऑप्शन हम लोगों के पास तो है कि अगर हम लोग कंटिन्यू करते जैसे ये ट्रेनिंग कोर्स के बाद में भी, तो उसमें किसी बैच में ज्वाइन तो हो सकते हैं। ये ऑप्शन तो आपने दे रखा है। मैं बिल्कुल दे रखा है, लेकिन मैंने एक कंडीशन डाल रखी है। और वो कंडीशन आपके पास क्या है? पैसे की कोई कंडीशन नहीं डाल रखी, पैसे का छोड़ दीजिए, ठीक है? पैसे का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पैसे का तो 1,500 रुपये है, कुछ ज्यादा थोड़े ना है, ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या है? मैंने आपको कंडीशन ये डाल रखी है कि आप कम से कम 1 से 1.5 महीने तक अपना काम करेंगे, जिसमें दुनिया का कोई भी आपके साथ आदमी नहीं होगा, मैं भी नहीं होगा। क्लियर है? सर ये तो सबसे खतरनाक कंडीशन है, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन तो यही है। बिल्कुल डाली हुई है। क्यों? क्योंकि देखो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है कि नहीं बनानी है, राइट या रॉन्ग? अभी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाए हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। और अपनी आइडेंटिटी एक जो वो होता है ना, मतलब समझिए कि एक बच्चा जो होता है वो जब बड़ा डॉक्टर बनता है तो अपनी आइडेंटिटी बनाता है, राइट? मेरे को ज्यादा खुशी होगी कि मैं जाना जाऊं मैं अनिल जी का मेंटर हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे को ज्यादा डर, लेकिन यही तो डर वाला चांस टाइम होता है सर, मतलब ऐसे टाइम पे आप हाथ छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं नहीं हाथ छोड़ूंगा, देखिए मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा आपका। हम तो मेरठ वाले हैं, हाथ ही नहीं छोड़ते बस, राइट? पूरा ऐसे पकड़ लेते हैं कि जिंदगी भर नहीं छोड़ते। मेरठ वालों की आदत ही ये होती है, गालियां बहुत सारी देते हैं मेरठ वाले, खूब गालियां देते हैं, लेकिन गालियों में भी प्यार छुपा होता है, राइट? तो हम तो मेरठ वाले, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे दोस्ती हो, हम नहीं छोड़ते। आप सोचिए मेरे को रात को 1 बजे फोन आया, सोचो। मैं आपको बताता हूँ दोस्ती की मिसाल क्या होती है और मेरठ वाले क्या करते हैं। मेरे को रात को 1 बजे फोन आया कि आपके दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर हॉस्पिटल है CMI हॉस्पिटल। मेरे को रात को 1 बजे फोन करता है पर्सन कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आ जाओ। मैं यहां से गया तो चार चार दोस्त मेरे और खून से लथपथ पड़े हुए हैं, खून से लथपथ CMI के अंदर, पहचाने भी नहीं जा रहे। मैंने पूछा क्या हुआ, बोलते ड्रिंक करके चल रहे थे और बुलेट 120 की स्पीड पे बुलेट सामने पेड़ से टकरा गई। एक की पूरी रिब्स टूटी अंदर, उसकी पूरी नाक ही नहीं थी, मुंह टूट गया पूरा, नाक भी नहीं थी, पूरी नाक ही टूट के किनारे चली गई, पता नहीं कहां गई। दो के पैर टूटे हुए थे और एक उनमें से जो था उसका पूरा हाथ टूटा हुआ था। आप सोचो मैं पूरी रात वहीं पर ही रहा,
उनका ऑपरेशन करवाया मैंने, उनके फैमिली का कोई मेंबर नहीं आया था और मेरे को पता भी नहीं था उनकी फैमिली कहाँ कहाँ है। पूरी रात बैठ के मैंने डॉक्टर से, डॉक्टर को भी जिद करके ऑपरेशन करवाया। मैंने कहा अभी के बोलते इनके फैमिली मेंबर, मैंने कहा मैं खड़ा हूं आप करो। तो दोस्ती तो ऐसी होती है, सही बात। और एक बंदा उनमें से नेपाल का, ठाकुर नेपाल का बंदा हमारे यहाँ पर था, मैं कॉलेज में था उस टाइम पर, तो हमारे कॉलेज में था वो ठाकुर और कॉलेज का वार्डन था। तो आप सोचो उसके फादर दो दिन बाद आए हैं। तो मतलब दोस्ती तो ऐसी होती है ना, जब मैं उन लोगों का साथ नहीं छोड़ता बुरे टाइम पर, कि कौन देख रहा था मेरे को अगर मैं वहां से भाग जाता तो बताएं, अगर मैं वहां से निकल जाता कि चलो पड़े रहने दो जाने दो, कोई देख सकता था मेरे को? लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बताए मैं नहीं देख रहा, मेरा दोस्त नहीं देख रहा, कोई दूसरे नहीं देख रहे, वो तो पड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर वाला मेरे को देख रहा है, ऊपर वाले को पता है कि क्या गड़बड़ करी है मैंने, राइट। इसलिए दोस्ती निभाना बहुत जरूरी है और मैं पीछे नहीं हटता। आप देखिए इस मार्केट के अंदर मेरे को कितनी थ्रेटनिंग मिली है, कितने मेरे को कॉल्स आए हैं इस चैनल को बंद करने के लिए। मेरे ख्याल से कम भी तो 500-700 कॉल तो अभी तक आ चुके मेरे पास, समझे? और मैं करके बैठा हूं कि चैनल बंद ही नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, कर लो तुम जो भी करोगे। तो मतलब ऐसा होता है जब हम पीछे ही नहीं हटते, तो मैं आप लोगों के साथ में कैसे पीछे हट जाऊंगा? आपको लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा? नहीं सर, लगता नहीं है, लेकिन दिक्कत ये कि आपने जो कंडीशन बताई है ना, इसमें हाथ पांव अभी फूलने लग गए हैं। कंडीशन क्यों, मेरी बात समझे, कंडीशन मैंने क्यों रखी, कंडीशन का जवाब सुनिए, क्यों मैंने कंडीशन रखी है? ये कंडीशन मैंने इसलिए रखी है कि आप अपने आप को पहचान सके, मेरी बात समझे। मैंने एक साल का टाइम नहीं रखा आपके साथ, मैंने बोला आप केवल एक से डेढ़ महीने के बीच में अपना आप काम करके देखें, अगर आपसे कोई दिक्कत आती है पीछे मैं वैसे भी खड़ा हूं, मेरा फोन वहीं पर ही है, मेरा व्हाट्सएप वहीं पर ही है, लाइव क्लासेस वैसे ही चल रही है, सब कुछ वैसे ही है, आपको कुछ नहीं दिक्कत आने वाली, लेकिन मैं चाहता हूं एक महीना आप अपना काम करके देखें, अपने ऊपर विश्वास करके देखें, राइट। कल को अगर ये जाना जाएगा कि भाई हरमीत जी हैं, मतलब दो चीजें हैं, या तो हरमीत जी मेरे को मिलते हैं कहीं पर भी मिले, ऐसे कोई बोले कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है, हरमीत जी मेरे स्टूडेंट है, मेरे को इतना पसंद नहीं आएगा, मेरे को बोले कि हरमीत जी है बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और ये जो आ रखे हैं ये इनके मेंटर हैं, मेरे को ज्यादा पसंद आएगा। मतलब आपकी प्रोग्रेस से मैं जाना जाऊं, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद हुआ आएगा, मेरी बात समझे। मेरे लिए आप एक आम आदमी है, मेरी बात समझे, बुरा मत मानना, मेरे लिए अभी एक आम आदमी है, जैसे मैं सबको सिखाता हूं आपको भी सिखा रहा हूं, राइट या रॉन्ग? क्यों अरमीत जी, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। क्यों काशीनाथ जी, मेरे लिए आप एक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैं बाकी को सिखा रहा हूं। खास कब हो जाएंगे आप, खास कब हो जाएंगे बताएं, जब आप अपनी मेहनत से अपने लेवल से ऊपर उठ जाएंगे तब आप मेरे लिए खास हो जाएंगे, बताएं? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? आपने इतना, आप बताइए, आपने इतना सारा कोर्स मेरे साथ क्यों किया? क्या रीजन है कि आप दो महीने से मेरे साथ लगे हुए पढ़ने में, डेली क्लास कर रहे हैं, कोई क्लास छोड़ नहीं रहे, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप बताइए? क्यों दीनानाथ जी, अनिल जी बताएं, क्यों कर रहे हैं सब? अपने को चेंज करने के लिए ना, कुछ तो बनने के लिए ना, बिल्कुल राइट। और आपको बनाएगा कौन? आपको अगर उस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, आपको लेके कौन जाएगा? आप खुद, मैं नहीं लेके जा सकता, आप खुद उसमें जाएंगे, आपको ये सारी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक पर्सन चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, वो आपका मेंटर होना चाहिए, वो मैं आपके साथ में खड़ा हूं, क्लियर है? रात में भी एक बजे भी बोलेंगे तो मैं पीछे ही खड़ा मिलूंगा, मैं पीछे नहीं हटता। बस सर, अब हम लोग आइडेंटिटी बनाएंगे, ये टीम अपनी आइडेंटिटी बना करके पेश करेगी। बिल्कुल, ये भी आप कमिटमेंट है, मेरा अपना तो कमिटमेंट है। आने वाला टाइम मैं बता रहा हूँ, आने वाला टाइम आज से देखिए, मेरे को आने वाले टाइम में 10 साल के अंदर, अगले 10 साल के अंदर मेरे को इस मार्केट को छोड़ना है,
मैं अगले 10 साल के बाद इस मार्केट में नहीं मिलूंगा, ये मेरे अगले 10 साल के बने मेरे पास गिन के, इस मार्केट को मैं छोड़ दूंगा, पूरा छोड़ दूंगा मार्केट को, क्योंकि ये मेरा मार्केट मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर मेरे को कुछ और काम करने है, तो उस काम के बीच में मार्केट आ रखा है बस। तो इसको मतलब ये समझिए दरिया है, जब तक मैं इस दरिया को पार नहीं करूंगा मैं अपनी दूसरी मंजिल पे नहीं जा सकता, तो बस ये दरिया है मेरा, तो अगले 10 साल के अंदर मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं नहीं मिलूंगा, उसके बाद मेरे को कुछ और काम करने है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं जब 10 साल के बाद मैं इस मार्केट से हटूं तो मैं इतने सारे मेंटर पैदा कर दूं, इतने सारे मेंटर बना दूं इस मार्केट के अंदर कि वो पूरे वर्ल्ड में छाए पड़े हों। मेरी बात समझे, पूरे वर्ल्ड में छाए पड़े हों वो, और उनको हिलाने वाला कोई ना हो, मैं ये चाहता हूं। मेरी बात समझे, आने वाला टाइम वो होना चाहिए, मतलब मेरी ख्वाहिश है, मेरा दिली इच्छा है कि ऐसा कुछ हो। अब वो पॉसिबल होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ये तो तय है कि मेरे को 10 साल के अंदर अंदर इस मार्केट को छोड़ होगा। सर होगा, जरूर होगा। देखिए मेरे को मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा ट्रेडिंग फील्ड नहीं था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा इंजीनियरिंग फील्ड नहीं था, मेरा ट्रेडिंग भी फील्ड नहीं है। मेरा जो फील्ड है आपको अजीब लगेगा, बड़ा बहुत ही अजीब लगेगा कि मेरा फील्ड मेडिटेशन है। तो मेरा नेक्स्ट वर्ड यही था कि 10 मिनट के लिए सर मेडिटेशन पे भी लेक्चर कर दीजिए ना सर, मैं दो चार बार कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है। मैं समझ गया सर, जो आप पहले वर्ड बताया है ना उसी टाइम मैं समझ गया था। वो नहीं, वो पहले बताया है सर एक बार, दिमाग में चली रहा जब आपने 10 ईयर लिखा ना सर, 10 ईयर्स में वाला सर, 10 ईयर्स को आप बाद में जाइएगा, पहले 10 मिनट के लिए मेडिटेशन के बारे हमको बता दीजिए और आप नेक्स्ट वर्ड आप मेडिटेशन लिख दीजिए। देखिए नहीं, असल में पता है क्या, देखो मेडिटेशन के अंदर मेरे अपने लेवल्स हैं, इस ये मार्केट इतना मार्केट ये खतरनाक नहीं है ट्रेडिंग, समझिए ये इतना मार्केट खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ही है, ये तो 1% भी खतरनाक नहीं है, ये 99% खतरनाक है। एग्रीड सर, एग्रीड। इस मार्केट के अंदर मतलब इस मेडिटेशन के अंदर आप समझिए कि अगर आप घुस गए आपको मतलब पूरी दुनिया में कोई बुक नहीं मिलेगी जो आपको बाहर निकाल के ले आए, केवल एक आदमी आपको बाहर निकाल सकता है, इसमें तो आप अपने आप भी बाहर आ जाएंगे लेकिन इस मेडिटेशन के अंदर केवल एक ही पर्सन आपको बाहर निकाल सकता है और वो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, वो आपका गुरु है, समझिए। आप कहीं पर भी इसमें फंसेंगे, आप बहुत इसमें इतनी सारी सिद्धियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूं अभी, वो रिवील नहीं हुई। आप सोचिए अगर मैं मार्केट के अंदर इतना रिवील कर सकता हूं तो मेरे पास ये भी रिवील करने के लिए बहुत कुछ होगा, राइट। समझिए इसके अंदर मेरा बहुत काम हो रखा है, पिछले कई सालों से काम चल रहा है, कम से कम 20 साल से इसके अंदर, जो कि मेरे को अभी पूरा करना है। अभी मेरे कम से कम 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और 1 अटेम्प्ट बचा हुआ है, ये अटेम्प्ट मैं करना चाह रहा हूं। 2 अटेम्प्ट फेल हुए मेरे, 2 अटेम्प्ट बिल्कुल फेल हो रखे मेरे, अब मेरे को तीसरा अटेम्प्ट करना है, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट के लिए मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा सा। अब अटेम्प्ट आएगा सर, आपका साथ नहीं सर, वो आएगा सर, वो वक्त आएगा सर। नहीं वो वक्त आने के बाद पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि वो अटेम्प्ट ही ऐसा है कि अजीब अटेम्प्ट है, वो लोग करते नहीं है और है भी बड़ा अजीब सा अटेम्प्ट, तो अगर वहां चले गए तो वापस आना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन ट्राई करना है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, लेकिन बाद में करेंगे। एक आपके पास आप जो बोलते हो ना, ये बॉडी होती है, आदमी की बॉडी होती है बॉडी, बताएं होती है ऐसी, देखिए ना आप लोगों ने, ये हम क्या बोलते हैं, हमारा सारा कंट्रोल ऊपर से है, राइट। इस दुनिया का कंट्रोल कहां से है, इस दुनिया का कंट्रोल आपके माइंड से है, लेकिन दूसरी दुनिया का कंट्रोल आपके माइंड से नहीं है। कहां से है पता है आपको? नहीं सर, नाभि चक्र, ये नाभि चक्र से शुरुआत होता है हृदय से। अब नाभि चक्र से आप दूसरी दुनिया में आराम से जा सकते हैं, राइट। और कौन सी दुनिया में? आपकी मदर की दुनिया में जा सकते हैं आप, मदर, और अगर फादर हैं तो फादर के साथ भी जा सकते हैं, या मदर के साथ भी आप पूरा ट्रेवल कर सकते हैं, राइट।
आप चाहो तो उनके उनके वहां से भी उनकी मदर के साथ या फादर के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये आपका ट्रेवलिंग है बहुत अच्छी और इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें वापस आने का रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है। आप जाने के लिए आराम से जा सकते हैं, मैं गया भी हूं, दो बार जाके आ चुका, लेकिन वापस आने में थोड़ा सा इश्यू है। ठीक है, तो वापस आने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। आधे तक मैं यहां तक गया हूं, लेकिन यहां से मैं वापस आ गया तो मेरे को यहां से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तो अब मेरे को एक और ट्राई करना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर मैं यहां पर फंस गया बीच में, अगर किसी रीजन से मैं यहां फंस गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा यहां पर, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। तो मैं दो अटेम्प्ट यहां पर कर चुका हूं, दो अटेम्प्ट यहां तक मैं गया हूं, इसके आगे नहीं गया। अब मेरे को इसके आगे जाना है, ये बड़ी लाइफ है, और उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और मैं तब फ्री होना चाहता हूं कि जब मेरे पास कोई काम ना हो तब मैं उस काम को करूं। राइट, चलिए वो तो आगे की बातें। देखिए, आप अगर मेडिटेशन की बात करते हैं, देखिए मेडिटेशन में आपके पास चीजें हैं, अभी है टाइम हमारे पास 5-7 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूं। आपका मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप मेडिटेशन कैसे करते हैं आप मेरे को बताएं प्लीज, कैसे करते हैं मेडिटेशन? मैं तो ब्रीदिंग को सर महसूस करते हैं, सांस चल रही है, और लेकिन चक्कर क्या है उस समय सर ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि आदमी जो नहीं भी सोच रहा रहता उसी टाइम विचार आते हैं सर। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का तरीका बताता हूँ, ठीक है? आप बोलेंगे क्या बेकार सा तरीका है, आप बोलेंगे क्या बेकार सा तरीका बता रहे हैं, ऐसा तो कभी कुछ होगा ही नहीं, और वो लॉजिक भी नहीं। बताइए सर, ठीक है? मैं सारे के सारे मेडिटेशन ट्राई कर चुका हूँ, आपको पता हो। मैं आप अगर यकीन करते हैं, आप सोचिए, किसी ने मेरे को बोला त्राटक करो, मैंने कम से कम मोमबत्ती को आधा घंटा एक घंटा बिना पलक झपके देखता ही रहता था किसी टाइम पर। फिर किसी ने, कोई महानुभाव था, उसने बोला सूरज को देखो। आपको पता है मैं गर्मी में, जून में, कम से कम 10-15 मिनट सूरज को बिना आंख झपके देख सकता हूं। वो पावर मैंने डेवलप किया अपने अंदर। आज भी अगर जून में भी बोलेंगे मैं आराम से देखूंगा सन को ऊपर, ये वो डेवलप हो रखी है पूरी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। आप समझिए इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। आप अगर मोमबत्ती को देखते हैं, अगर किसी आप मोमबत्ती को देख रहे हैं, और आप सोचिए अगर आप उसे आधे घंटे देख रहे हैं, तो आपकी जो आईज होती है उसमें जो आई ये होता है एक लिक्विड होता है, राइट? वो लिक्विड हर सेकेंड में नीचे फ्लो होता है। जब जब आप आंख झपकते हैं तो आपकी आंख नम रहती है, राइट? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं बताए? हर बार जब डाउन करते हैं तो वो लिक्विड फ्लो होता है और आपकी आंख नम रहती है, और अगर आपने आधे घंटे एक घंटे तक इसको देखते रहे तो ये आपकी आंख सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी आपकी आंख, क्लियर है? और ये आपको मिलेगा, ये चीज होने वाली है अगर आप किसी भी चीज को देखते रहेंगे आधे घंटे तक, तो मतलब ये वाला मेथड आपका सही नहीं है, क्लियर है? पहला चीज। दूसरी बात, अगर आप सांस को चेक करेंगे, सांस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सांस को अगर आप चेक करेंगे तो उसके अपने रूल्स हैं सांस को चेक करने के। आप अंदर बाहर चेक करते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत होती है। एक तरीका और है जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं और उसमें कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। आप क्या करें, आप बैठ जाए आराम से। बैठ तो सकते ही है कि नहीं बैठ सकते, बताएं? जी सर, बैठना तो सबको आता है ना। आप आराम से बैठ जाए, देखिए आप तसल्ली से बैठ जाए, बस आराम से पलौटी मार के जैसा आपका दिल करे, बस आपकी जो बैकबोन है सीधी होनी चाहिए, राइट? बस एक ही कंडीशन है, नीचे बैठने की कोई कंडीशन नहीं। आप कैसे भी बैठे, मर्जी है, जैसे मर्जी बैठ जाए, पलौटी मार के बैठे, हाथ कैसे भी रख लें, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी, कोई कंडीशन नहीं है, बस आपकी बैकबोन सीधी हो। और बैकबोन सीधी होने का रीजन क्या है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, राइट बोल रहा हूँ या रॉन्ग बोल रहा हूँ, जिसको पता हो तो बता दे मेरे को। राइट सर, सही बोल रहा हूँ। 7 चक्रास होते हैं और 7 बॉडीज होती हैं, 7 बॉडीज होती हैं और 7 चक्रास होते हैं, ठीक है? ये जो चक्रास होते हैं, ये आपके पास आपकी जो नाभि होती है, नाभि उसके जस्ट नीचे, यहां से शुरू होते हैं, क्लियर है? और यहां से इन चक्रास की जो एक्टिविटी होती है, एनर्जी होती है, वो ऊपर की तरफ चलती है, नीचे की तरफ नहीं चलती, नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। तो
तो अगर ये एक्टिव हो गया और ऊपर चला, तो अगर आपके पास ये बैकबोन आपकी सीधी नहीं होगी तो ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके इसी जगह से सारे शुरू होते हैं। मतलब ये पूरी जगह है जहां पर आपकी एनर्जी फ्लो होती है, और आपकी एनर्जी आती कहां से है? आपकी एनर्जी यहां से नहीं आती, आपकी एनर्जी यहां सर के ऊपर क्राउन चक्र है, यहां से आपकी एनर्जी आती है। इसीलिए ये रीजन है कि जो बड़े बूढ़े हैं या पंडित लोग थे वो ब्लैक चोटी रखते थे यहां पर, राइट? पूरा सर मुंडवा लेते थे लेकिन यहां पर ब्लैक चोटी रखते थे, राइट? यहां पर बाल छोड़ के रखते थे क्योंकि हमारे यहां पर क्राउन चक्र है। और इसका एक और उदाहरण आपको मिलेगा कि जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं तो क्या करते हैं बताइए? आपके सर पे हाथ रखते हैं, और सर पे हाथ रखने की कौन सी जगह है जब आपको एक अच्छा आशीर्वाद मिलेगा? आपके पास ये जहां पर आपकी चोटी होती है, यहां पर ये जगह है जहां पर आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए, समझे? क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ये पर्सन जो दूसरा पर्सन आपको आशीर्वाद देगा, आप समझिए हमारी बॉडी में केवल एक जगह है जहां से एनर्जी रिलीज हो सकती है, और वो हाथ है जहां से एनर्जी रिलीज हो सकती है। आप चेक कर सकते हैं, दूसरी कोई जगह ऐसी नहीं है, और एक ही जगह है जहां से आपकी एनर्जी इन हो सकती है, वो ये है। इन होने की जगह ये है और आउट होने की जगह ये है। तो जब कोई बड़ा बूढ़ा आपके सर पे हाथ रखता है यहां पर, तो क्या होता है असल में, आप बताएं क्या होता है? उसकी एनर्जी, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके अंदर चली जाती है, राइट या रॉन्ग? होता है ऐसे या नहीं होता, बता दें आप बताइए। या तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लॉजिकल नहीं है, या तो लॉजिकल है, दो में से एक काम तो है। सर, विवेकानंद का भी ऐसे हाथ रखा था ना, परवंश जी ने उनके, होता था ना। या फिर एक जगह और है, एक जगह और है, और वो आपके पास गुरु की जगह है। गुरु की जगह ये नहीं है, समझिए, ये आपके बड़े बूढ़ों की जगह है जहां से आपको एनर्जी मिलेगी, जहां पर आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो ये जगह है। लेकिन एक और जगह है जहां से गुरु का दीक्षा, गुरु की शिक्षा आपको मिलेगी, वो कौन सी जगह है? थर्ड आई, माथे के बीच की जगह, राइट? जो आपकी आंखें होती है इसके बीच में जो जगह होती है, ठीक है, जहां पर कभी कभी कंसंट्रेट करने के लिए लोग बोल देते हैं, ये जगह जो है, ये यहां से आपका गुरु, आपका जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो आपको जो शक्ति देंगे वो आपको यहां से देंगे। ये पॉइंट है आपके पास पावर लेने का। तो अगर आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद के लिए ये जगह है, और पावर के लिए ये जगह है। जैसे आपको इंजेक्शन होता है ना, एक दवा खाई और एक इंजेक्शन लगाया तो दोनों में फर्क होता है, राइट या रॉन्ग? इंजेक्शन जल्दी असर कर जाता है और दवा धीरे धीरे असर करती है। तो समझिए कि ये दवा है और ये इंजेक्शन है, ठीक है? आपको अब करना क्या है मेडिटेशन के लिए? अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आप शांति से आराम से बैठ जाए। मैंने आपको बोला आपकी जो बॉडी है वो सीधी होनी चाहिए, सीधी, बस आपका जो बैकबोन है वो सीधी हो, आप आराम से तसल्ली से बैठ जाए, और बैठ के आंख कर ले बंद, कुछ नहीं करना आपको, कहीं कंसंट्रेट नहीं करना, कहीं नहीं कुछ ना, छोड़ दीजिए, आप आराम से शांति से बैठ जाए, बस बैठ गई शांति से। अब आपको क्या करना है, हाथ को जैसे रखना है आप रख ले, आप अपने घुटनों पे रखना चाहते हैं, हाथ एक के ऊपर एक रखना चाहते हैं, जैसे मर्जी रख ले, मर्जी आप, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप क्या करें, आंख कर ले बंद। आंख बंद करने के बाद आपको, आप चेक कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं, मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं हमेशा। आंख बंद करने के आप बाद आपको अंदर कुछ व्हाइट स्पॉट घूमते हुए दिख रहे हैं, या चैनो करके देख सकते हैं आप, दिख रहे होंगे आप? जी सर, जी सर, दिख रहे हैं? जी सर, साइंस ये बोलती है, सर ज्योति सी दिखती है, एक ज्योति सी दिखती है सफेद रंग की, जिसका ओरा काफी तेज होता है। हाँ जी, आप समझिए, आप जैसे कोई डॉक्टर होगा तो सॉरी मेरी बात से इत्तेफाक रख सकता है, ठीक है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं क्योंकि मैं मार्केट के अगेंस्ट में चलता हूं, तो भाई कई वर्ड के भी अगेंस्ट में चलता हूं। आप समझिए, एक छोटी सी बात बताएं मेरे को, कि ऐसे बोलते हैं हमारे अंदर भी एक बॉडी है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है, हमारे अंदर भी कुछ है जो कि हमें नहीं पता है। आप सोचिए, हमें साइंस ये बोलती है कि आपको कोई चीज का कैसे दिखाई देती है, आपकी जो आंख होती है, आंख ये आपका यहां पर रिफ्लेक्शन डालती है, फिर वापस जाती है रेटिना के ऊपर से, तब वो चीज दिखाई देती है, राइट और रॉन्ग? राइट, यही साइंस बोलती है। ये देखिए, एंगल बनता है, जब ये एंगल बिगड़ जाता है तो आपको दिखना बंद हो जाता है, तो आप चश्मा लगाते हैं, ये सब होता है ना, जहां तक मेरे को पता है, राइट?
ये तो जब आप बोल रहे हैं तो रात को सपना किससे देखते हैं? सपने में भी तो सब लोग दिखाई देते हैं, आप तो बंद है, उसे आप इल्यूजन नहीं बोल सकते। कलर्स भी दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, चलता हुआ आदमी दिखता है, घूमता आदमी दिखता है, बात करता दिखता है, वहां पर आपके पास कहीं पर भी आपकी आंख खुली नहीं है। दैट मीन समथिंग इज देयर, कुछ चीज और है, राइट? पहली बार अब वापिस आते हैं, आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप बंद आंख करते हैं तो आपको कुछ वाइट स्पॉट घूमते हुए दिखते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते दिखते हैं, ऐसे करके दिखता है। नीचे नहीं दिख रहे होंगे, नीचे नहीं जा रहे होंगे, ये ऐसे जा रहे होंगे इधर इधर या फिर इधर इधर, ये ऐसे चल, ये सांस की तरह मूवमेंट करता है सर, ये मैंने काफी बार देखा है। साइंटिस्ट ये बोलते हैं, डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जो व्हाइट स्पॉट आपको दिख रहे हैं ये केवल आपकी लाइट्स है, लाइट है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। मेरा अपना अनुभव है इसमें, मेरा अपना वर्क है इसमें, काफी वर्क किया हुआ मैंने इसमें। आप समझिए इसके बीच में एक फिगर ऐसे आती है कि वो कुछ ऐसे होती है, ये करके ये, और ये ऐसे फिगर मिलेगी आपको। सर आंख खोलने के बाद भी दिखते हैं कभी कभी? हाँ आंख खोल, वो तो तारे दिखते हैं, दिन में तारे दिखना जिसको बोलते हैं। हाँ सर भाई, ये देखिए आपके पास एक फिगर ऐसे होती है, ये करके ऐसे कुछ फिगर बनती है, मतलब ओम वो नहीं बनता, मतलब स्वास्तिक नहीं बनता एग्जैक्टली पूरा, कुछ ऐसे फिगर होती है ऐसे करके, ये फिगर नीचे चलती रहेगी। इस फिगर का मोमेंट आपको ऊपर नीचे मिलेगा बस, समझिए ये वाइड स्पॉट लेफ्ट से राइट, और ये वाली फिगर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगी, आप इसे फिर से उठाएंगे यहां रखेंगे, फिर नीचे गिरेगी, फिर उठाएंगे फिर नीचे गिरेगी, आप पूरे दिन पूरे साल पूरी जिंदगी काम करते रहिए, ये यहीं जाएगी नीचे, ये ऊपर नीचे मूव करेगी बस, इसका कोई काम नहीं है। और ये जो आपके वाइड स्पॉट है लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ऐसे करके। अब आपको काम क्या करना है, आपके पास एक सिंपल सा वर्क दे रहा हूं और वो काम बड़ा अच्छा है। आप क्या करें, किसी भी स्पॉट को पकड़ लें, कर सकते हैं? यस और नो? हाँ या ना बताएं? हाथ से मत पकड़ना, हाथ से मत पकड़ना, क्योंकि हाथ से पकड़ ही नहीं सकते। आपको करना क्या है इसमें, आपको एक सिंपल सा काम करना है, किसी भी एक स्पॉट को देखते रहें बस आराम से। अब चूंकि आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं राइट, तो आपके दिमाग में बाकी बातें आना बंद हो जाएंगी, राइट या रॉन्ग बताएं? वो बार बार छूटेगा, बार बार पकड़ेंगे, बार बार छूटेगा, बार बार पकड़ेंगे, तो आपको बाद में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर बोल रहा हूं? नहीं कर पाएंगे आप, मतलब बाकी चीजें नहीं सोच पाएंगे आप। अब अगर आपको एक नॉर्मल एक्टिविटी रखिए, जबरदस्ती नहीं पकड़ना, आप बस देखते रहिए, समझिए कि आप राह में चल रहे, कोई रास्ते में मिल रहा है, उससे आप बात करना शुरू हो गए, तो बस आप केवल उनको देखते रहे और उस टाइम पर एक छोटा सा काम कर लें अगर कर सकते हैं तो। आपको ये ऐसा पॉजिटिव थॉट सोच के रखे, ये मैं अपनी लाइफ में करता हूं इसीलिए मैं आराम से खुश रहता हूं। आप क्या करें, एक थॉट ऐसा, एक काम ऐसा सोच के रखें, एक थॉट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत पॉजिटिव हो, जैसे कि प्रेरिंग। आप क्या करें, कोई नया इंडिकेटर सोचें, इसी मौके में मेरे को ये करना है, ऐसे कुछ सोच के रखें, कोई भी पॉजिटिव राइट। और जैसे ही आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आए, कोई भी, जब ये आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगा, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते राइट। नेगेटिव आएगा आज, अरे आज ये तो ये करना है मेरे को, अरे आज तो ऑफिस में ये काम था मेरे को, ये क्या हो गया, कुछ भी नेगेटिव आए आप अपने पॉजिटिव को सोच लें। क्लियर है? झट से एकदम से सोचें कि मेरे वो इंडिकेटर का क्या होगा, वो तो बनानी है, उसको मेरे को ऐसे बनाना है, राइट और रॉन्ग? मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? जी सर। बस इतना सा काम करना है। आप चेक करें कि आप एक दो दिन अवॉइड करेंगे उस नेगेटिव थॉट को, एक दो दिन, और आपकी लाइफ से वो नेगेटिव थॉट हटने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ से ही हट जाएंगे वो नेगेटिव थॉट। थोड़े टाइम बाद आपके पास एक जीरो स्टेट आ जाएगी। जीरो स्टेट का मतलब दो तीन चार महीने बाद या छह महीने बाद या साल भर बाद ना तो नेगेटिव थॉट ही आएंगे और ना पॉजिटिव थॉट ही आएंगे, दोनों थॉट बंद हो जाएंगे, और ये होती है शून्य की स्टेट, जीरो स्टेट, जब ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, बिल्कुल शांत। और जब ये शांत होगा, जिस टाइम ये शांत होगा उस टाइम पर जब आप वाइट स्पॉट पे कंसंट्रेट करेंगे, किसी भी वाइट स्पॉट पे कंसंट्रेट करेंगे, तो ये पीछे की तरफ भागेगा, पीछे की तरफ,
रुकेगा, ये रुक के पीछे की तरफ भागेगा और पीछे की तरफ इतनी स्पीड से भागेगा, समझिए आप कम से कम 250-300 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, इतना स्पीड से भागेगा। अगर आप इसे पकड़ पाए, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, अगर आप इसे पकड़ पाए तो ये पीछे जाके खुल जाएगा, कलर सारे कलर में खुल जाएगा, राइट। और आपको इतनी बड़ी दुनिया दिखेगी, इतनी प्यारी दुनिया दिखेगी जिसे आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, इतनी प्यारी दुनिया। आंख बंद करके आपको सारी चीजें बहुत प्यार से दिखेंगी और सपना नहीं देख रहे होंगे, सच हो, ये सच में होगा। यहां से आपके पास टेलीपैथी शुरू हो जाएगी, टेलीपैथी, आप किसी से बात कर पाएंगे आराम से, राइट। आप टेलीपैथी है, आपके पास ये जो जितने भी चक्रास हैं इनको आप यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी चक्रा को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को यहां से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक रूल है, लेकिन इसको करने के लिए टाइम चाहिए, मेरी बात समझे। तो आपको मेडिटेशन के लिए अभी केवल कुछ नहीं करना, खाली आराम से बैठे, आराम से बैठ के जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं आराम से देखते जाएं, टेंशन मत लें, कहीं कंसंट्रेट नहीं करना, आराम से बैठ के देखें। जब आप देख लें आराम से, एक थॉट पॉजिटिव सोच के रखें, जब आपको ये पता लग जाए कि पॉजिटिव थॉट है, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए पॉजिटिव सोच लें, जबरदस्ती सोच लें, आप देखेंगे 3-4 दिन में आपको नेगेटिव थॉट अपने आप हटने लगेंगे और आपको पॉजिटिव थॉट अपने आप आने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉजिटिव थॉट ही बंद हो जाएंगे, तो आपकी हो जाएगी जीरो स्टेट। और जब जीरो स्टेट आएगी तो ये जो आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं ये रुकने शुरू हो जाएंगे, और जब ये रुकेंगे तो पीछे भागेंगे, पीछे भाग के खुल जाएंगे, खुलने के बाद आपको सारे कलर विव्योर कलर इसमें यहां पर दिखाई देंगे, बहुत अच्छे अच्छे, आप उनमें काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो बहुत सारी चीजें इसमें नेगेटिव भी आता है, बहुत नेगेटिव भी बहुत आएगा, तो मतलब आपको समझिए कि जब आप इस फील्ड के अंदर एंट्री होंगे तो आपको सबसे ज्यादा डर कौन सा लगेगा, डर कौन सा लगेगा आप बताइए, एक ही डर रह जाता है इसके अंदर, हर समय हर मिनट हर घड़ी आपको एक ही डर होगा मरने का। क्यों? क्योंकि ये जर्नी ऐसी है कि जैसे जंगल में आप जा रहे हो और जंगल में जंगली जानवरों से भरा पड़ा हो, आपको हर समय रहेगा कि कौन सा जानवर मुझे खाना जाए। सेम केस आपको इस जर्नी के अंदर हमेशा डर बना रहेगा, हमेशा, बस आपको डरना नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो ये सिंपल सा है, मैं तरीका बता रहा हूँ मेडिटेशन का, आगे बहुत प्रोसेस है पर ये सिंपल प्रोसेस है। सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे आता है सर यहाँ पे? सबकॉन्शियस माइंड आपका असल में क्या होता है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीछे ओपन करने की, ओपन बोल रहा हूँ ना, खुल रहा है, ये क्या खुल रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड खुल रहा है, राइट। जहां पर आपको सारी चीजें दिखाई पड़ रही, दूसरा वर्ड दिखाई दे रहा है, ये आपका असल में सबकॉन्शियस माइंड खुल रहा है। अगर आप इसमें और पास में जाएंगे तो आपको पीछे की सारी बातें दिखाई देंगी और दिखाई देंगी, सुनाई नहीं, दिखाई देंगी सारी, जो आपने वर्ड्स बोले हैं कभी जिंदगी में बोले होंगे, बचपन से बोले होंगे जो वर्ड्स बोले होंगे, वो सब वर्ड आपको यहां दिखाई देंगे, दिखाई देंगे, सुनाई नहीं, दिखाई देंगे आपको सारे वर्ड्स इस जगह पर, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी यहां पर। अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत वर्ड ही दुनिया दूसरी मिलेगी यहां पर, लेकिन कोई इसको करता नहीं, सब पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, राइट। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है मगर सब कुछ नहीं है। थैंक यू सर बताने के लिए, मैं तरीके बता रहा हूँ। देखिए ये काम मैंने करे हैं, उसमें मैं काम करता हूँ, मेरे को इसमें इश्यूज भी आए, ऐसा नहीं आप सोचिए कि मेरे को हाल ये होता है कि मैं मेडिटेशन में मेरी इलेक्ट्रिकल बॉडी एक्टिवेट हो गई थी, मेरे साथ इशू ये हुआ कि मेरी इलेक्ट्रिकल बॉडी एक्टिवेट हो गई इस प्रोसेस में, क्योंकि मैं मेडिटेशन 4-4, 5-5 घंटे करता था। अब इसमें नेगेटिव क्या आते हैं आपके पास, सुनिए, आप इस केस में मेरी इलेक्ट्रिकल बॉडी एक्टिवेट हुए और इलेक्ट्रिकल बॉडी की वजह से मेरे पास दो इशू आए और वो इशू आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाए। नंबर एक, इलेक्ट्रिकल शॉक। क्या मतलब? अगर मैं किसी को छूंगा, किसी को टच करूंगा या मैं किसी लोहे को टच करूंगा तो मेरे को शॉक लगेगा। मैं कार को भी छूंगा तो चिंगारी निकलती है, किसी भी दिन चिंगारी निकल जाती है तो शॉक लगता है, मेरे को भी लगता है और जो बैठे होते हैं उनको भी लगता है।
अगर कोई टच करता है तो भी मेरे को भी शौक लगेगा, उसको भी लगेगा, ये अक्सर हो जाता है। ये चीज पहली चीज जो कि इसका नुकसान हुआ मेरे को अभी तक इस प्रोसेस में, नुकसान भी अब ट्रेड लेते हैं तो नुकसान फायदे दोनों होते हैं कि नहीं होते बताएं, क्यों अनिल जी? ट्रेड लेते हैं तो नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है, राइट? अब इस केस में फायदा हुआ, फायदा तो बहुत सारा हुआ, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान सबसे पहला ये हुआ शॉक का। दूसरी बात जो मेरे को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि कुछ दूसरी पावर्स के कॉन्टेक्ट में आ गए। अब ये दूसरा चैप्टर है, अलग सा चैप्टर है ये, कि कुछ दूसरी पावर्स के कॉन्टेक्ट में हम लोग आ गए। पावर कौन सी? नेगेटिव, राइट? क्यों? क्योंकि मेरा मेडिटेशन रात को 12 बजे शुरू होता था, सुबह 3 से 4 बजे खत्म होता था, तो इस टाइम पर जो नेगेटिव पावर है वो सारी घूमती है, आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह से। तो ये नेगेटिव पावर मेरे कॉन्टेक्ट में आ गई, तो अब ये नेगेटिव पावर्स में मेरे साथ रहती है। रहती है का मतलब ये इनकी मैं आवाज सुन सकता हूँ, इनसे मैं बात कुछ कर सकता हूँ, ये मेरे साथ चीजें गलत हुई है, दो चीजें मेरे को गलत मिली है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सर कुछ नुकसान पहुंचाती है नेगेटिव पावर्स आपको? हाँ बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी, ये नुकसान नेगेटिव पावर बहुत करती है, आपका नुकसान करेंगी, खूब जम के नुकसान करती है। अगर आपने जरा सा कुछ गड़बड़ करी, इनके साथ में गड़बड़ कर दी, तो ये आपको पावर बहुत नुकसान पहुंचाती है, और ये होती है मार्केट में, क्योंकि आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में अंदर ये चीजें होती है, हमारे 9 डायमेंशन है, हमें कितने डायमेंशन पता है अभी तक बताएं, कितने डायमेंशन पता है अभी तक? आप किसी भी चीज को देखते हैं कैसे देखते हैं? लेंथ और ब्रेथ से, लेंथ और ब्रेथ से ही देखते हैं। आपने कोई चीज देखी कैसे बोलते हैं इसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, ये कितने हुए? 2 डायमेंशन, राइट? सर हाइट पे आते हैं। अब क्या हुआ? अब इसकी डेप्थ आ गई, डेप्थ होगी 3rd डायमेंशन, जिसको बोलते हैं 3D, मतलब आप तीनों तरफ घुमा सकते देख सकते हैं, इसको नाम देते हैं 3D, राइट? अब एक 4th डायमेंशन आया है, अगर आपको पता हो तो 4th डायमेंशन आया, कौन सा 4th डायमेंशन कौन सा आया आज की डेट में? वो है टाइम। अगर आपने देखा 4th डायमेंशन आपके पास आज की डेट में टाइम, क्यों? आपने बोला कोई चीज लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, कब? टाइम क्या? अगर मैं इसमें से टाइम हटा दूं, क्या हुआ? एक पेंसिल थी, मैंने आपको बोली इतनी लंबी इतनी चौड़ी, 1 सेकंड के बाद तोड़ दी, तो क्या वो रही वैसी? बताएं, तो 4th डायमेंशन आ गया आपके पास टाइम। ये 4th डायमेंशन पे आज हम चल रहे हैं, 1 डायमेंशन और बचा है 5वां। अब इसको ढूंढना है, क्योंकि 5वें डायमेंशन के बाद से कहानी खराब है, समझे जरा? 5वें डायमेंशन के बाद से कहानी खराब है। पहला डायमेंशन ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, या उल्टा बनाते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन ठीक है, हमने लोगों ने कवर कर लिया, 3rd डायमेंशन मिल गया, 4th डायमेंशन अब मिल चुका है, अब ये 5th डायमेंशन है। 5th डायमेंशन एक हमें ढूंढना है, और ये इसके पीछे लोग पड़े हैं, इसके साथ में एक आपको एक पार्टिकल मिला है, आपको पता होगा गॉड पार्टिकल, अगर आपको ध्यान है तो, सुना है आप लोगों ने? फिफ्थ वाले डायमेंशन की कहानी गॉड पार्टिकल से जुड़ी हुई है, अगर आपने किसी ने सुना है, नहीं सुना तो मैं दिखा देता हूं, शायद गॉड पार्टिकल लिखूंगा तो कुछ दिखा भी देगा मेरे को, मैं दिखा देता हूं, शायद कुछ दिखा दे मेरे को। देखिए गॉड पार्टिकल अगर मैं दिखाता हूं तो ये लंबी थ्योरी आपको मिल जाएगी, गॉड पार्टिकल ये देखो मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ लिटरेचर भी मिल जाएगा इसमें, ये विकिपीडिया में, ये इसकी कहानी 5th डायमेंशन से जुड़ी हुई है, अगर आप इसको चेक कर लेंगे मेरे को, आप ये देखिए इतना बड़ा मिल जाएगा सारा, ये सारी कहानी आपका 5th डायमेंशन से जुड़ी हुई है। अब 6th डायमेंशन से क्या है समझिए, मतलब ये चीजें अजीब सी की हैं मगर हैं। 6th डायमेंशन से आपके पास जितने भी गॉड्स हैं वो रहते हैं, ऐसे सोचिए, कौन से? छोटी क्वालिटी के गॉड, छोटी क्वालिटी के, कौन से? पानी के देवता, भगवान क्या, आग के देवता, ये सब कौन से हैं 6th वाले में? यक्ष होते हैं,
ये सब सिक्स वाले डायमेंशन में, सिक्स और सेवन में ये सब मिलेंगे। एट वाले में आपके पास कौन से हैं? ये जो हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार बोले तो विष्णु है, ठीक है, ब्रह्मा है, ठीक है, ये सब यहाँ पर रहते हैं, और नाइन डायमेंशन में शिव रहते हैं। ये डायमेंशन है पूरी। अभी हम फोर डायमेंशन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर फिफ्थ डायमेंशन पार करना बाकी है, आएगा जब भी आएगा। तो ये डायमेंशन के बाद आपको अच्छी चीजें मिलनी शुरू होगी, मतलब अगर आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे तो सिक्स डायमेंशन में कर पाएंगे, जब आप सामने से देख पाएंगे किसी भगवान को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये मेडिटेशन के ऊपर जो मेरा अपना रिसर्च है वो बोलती है, लेकिन उसमें जाना है मेरे को, जब जाएंगे तब देखेंगे क्या होता है। चलिए वापस आते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, थोड़ी देर टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो वो टॉपिक रह जाएगा। देखिए छोटा सा यहाँ पर एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, एक ट्रेन लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक सेटअप बता रहा हूँ बड़ा अच्छा सा। आपको इस सेटअप के अंदर क्या करना है, हाई लो और क्लोज, पीछे दिन का, येस्टरडे का, कल का हाई लो और क्लोज मार्क करना है, और आज का, टुडे का आपको क्या करना है, ओपन मार्क करना है। कल का आपका हाई लो क्लोज और आज का ओपन, क्लियर है, बस ये मार्क करने हैं। अब जरा चेक करते हैं मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। आप देखिए इसको लगाइए, मैं यहीं से शुरू करता हूं इसी दिन से, चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, यही दिन ले लेते हैं। अब 25 तारीख ले ली मैंने, आपको चेक करते जाइए आपको करना कैसे है। बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है, आप चाहो तो इसमें कभी भी ट्रेड उठा सकते हो, राइट। इसका हाई कौन सा है बताएं, मैं 25 डेट की बात कर रहा हूं, 25 तारीख की, यस अनिल जी कौन सा इसका हाई है, ये 25 तारीख का ये हाई है, ये ऊपर क्लियर है, और ये लो है, क्लियर है, मार्क कर ले, ये मेरा 25 तारीख का, ध्यान से सुनते जाइए, काम की बात रहेगी आपके पास, ये हाई और ये लो हो गया, ये लो नहीं है तो अगले दिन का लो है। आप जरा समझिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनते जाए, बहुत काम की बात है सर। ये तो एक दिन का केबल अगर हम लोग लगा देंगे तो उसमें नहीं मिल जाएगा, डे कैंडल अगर लगा देंगे तो, जैसे आपने 15 मिनट में लगाया है, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी है, टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी। क्या मतलब टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी का मतलब क्या है कि आप देखिए किसी भी टाइम फ्रेम में मैंने हाई और लो लगाया, ये तो किसी भी टाइम फ्रेम में वही रहेंगे ना कि चेंज हो जाएंगे। अगर मैं एक घंटे में लगाऊंगा तो दिन का हाई क्या चेंज हो जाएगा, नहीं ना, वो तो वही रहेगा जी सर। क्यों, क्यों केशव जी, आपका क्या मानना है, ये सर सेम रहेगा, सेम रहेगा। हरमीत जी क्या बोलते हैं आप, क्या मानना है, बिल्कुल सही सर, सेम रहेगा। इसका मतलब अगर मैं एक घंटा में देखूं, पांच मिनट में देखूं, दो मिनट में देखूं, एक दिन में देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाई लो तो सेम ही है। तो इस थ्योरी में कहीं पर भी टाइम फैक्टर नहीं आता, पहली बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा ही काम करना है, टाइम फ्रेम चाहे पांच मिनट ले लीजिए, पंद्रह मिनट ले लीजिए, बस ये है कि पंद्रह मिनट में ज्यादा कैंडल बन रही है तो इसलिए मैंने, सॉरी, पांच मिनट में ज्यादा कैंडल बन रही है तो इसलिए मैंने पंद्रह मिनट ले लिया, क्लियर। अब आपके पास काम कैसा है सुनिए, ये आपका हाई है और ये आपका लो है। अब आपको बाय कब करनी है, आपकी बाय दो जगह पर हो सकती है, और सबसे अच्छी बाय आएगी आपके हाई के ऊपर, ये आपकी सबसे अच्छी बाय है, क्लियर है। दूसरी बाय कब आएगी, दूसरी बाय तब आएगी जब आपका लो के पास में स्टॉक आ जाएगा, ये लो, जब कभी भी लो के पास में आएगा स्टॉक तो आपको दूसरी बाय मिलेगी, क्लियर है। चेक करने की कोशिश करते हैं अगले दिन क्या हुआ। देखिए मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, मार्केट कहां पर खुला बताएं, अगले दिन मार्केट कहां खुला, ये खुला ना नीचे, राइट, चेक करें। बाय कहां पर बनती थी, अपने आप बता दें बाय कहां थी, ये मेरी बाय तो नहीं थी ना, मैं ले सकता था, देखिए लो के पास में बाय ले सकता था मैं आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन अच्छी बाय कहां पर थी इसके ऊपर ना बताएं, राइट या रॉन्ग, सही बोल रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं, चलते हैं, देखते हैं आपको कब बाय मिल रही, वो बाय मिलेगी जरूर आपको, चाहे दो दिन रुक के मिले, मिलेगी जरूर बाय, और अच्छी बाय मिलेगी। अब देखिए क्या हुआ, अगले दिन 26 तारीख को आप चाहो तो यहां से बाय उठा सकते थे, मगर बाय थी नहीं, छोड़ दिया, अगले दिन फिर नीचे, आप बताइए उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं मिली आपको बाय, यस और नो,
मीनिंग उसी पॉइंट के ऊपर बाय ये भी है। चले आगे, अब आगे चलते हैं। अब सर, क्या हुआ, मैंने हाई लो तो रोज चेंज होते चले गए ना सर, भले ही होते गए, लेकिन आप देखिए आपने यहाँ पर मार्क किया था। अब इस हाई से ऊपर था कोई हाई, समझे, इस हाई से ऊपर था कोई हाई क्या जो बना हुआ है? No, मैं तब तक इसे चेंज नहीं करूंगा जब तक कि इस हाई से ऊपर हाई ना बन जाए, क्लियर? यस सर। और मैं तब तक लो को चेंज नहीं करूंगा जब तक मेरा हाई से ऊपर हाई ना चले जाए और लो से ऊपर लो ना चला जाए, क्लियर है? आप देखो पूरे प्रोसेस में मेरा हाई से ऊपर मार्केट नहीं गया, नहीं गया ना, तो मेरा हाई चेंज नहीं होगा, यही मेरा हाई रहेगा। जिस दिन भी इससे ऊपर चला जाएगा तो अगला हाई मेरा ऊपर वाला बन जाएगा। अब देखते हैं, और उसी टाइम पर मैं लो को भी चेंज करूंगा। तो क्या हुआ, देखिए आप पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, अब ये उसने हाई को ब्रेक कर दिया। अब चूंकि कर चुका तो अब मैं क्या करूंगा इस केस में कि अपने हाई को ऊपर मार्क कर लूंगा और अपना जो लो है वो इस दिन का लो मार्क हो जाएगा। जिस दिन का हाई ब्रेक हुआ उसी दिन का लो मार्क हो गया, हो गया। अब देखिए मार्केट यहां पर चलता रहा, अगर इसको भी ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो इसको भी क्या तरीका क्या बनेगा कि कम से कम 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसका हाई ब्रेक होना चाहिए और उसके दो तीन पॉइंट ऊपर बफर छोड़ के आप बाय करेंगे। या फिर अगर मैं 5 मिनट की बात करता हूं तो 5 मिनट की कम से कम 4 कैंडल, 5 मिनट की 4 कैंडल का जो भी हाई बनेगा उसके ऊपर मैं बाय करूंगा, दो चार पॉइंट बफर छोड़ के, क्लियर है? मतलब बाय कब होना था, इसके ऊपर दो चार पॉइंट बफर छोड़ के यहां कहीं बाय होना था, क्लियर है? मार्केट उस दिन में साइडवेज रहा, जाने दीजिए मार्केट को, चलने दीजिए। लेकिन इस केस में मेरे पास एक छोटा सा इशू आ गया, और इशू क्या आया, मेरा लो तो यही रहा लेकिन जो मेरा हाई है वो यहां पर चेंज हो गया, राइट, हो गया। लो को अभी यहां पर मत लाइए, अभी चाहो तो ला भी सकते हैं लेकिन लो को अभी मत लाइए क्योंकि मेरा हाई ठीक तरीके से ब्रेक नहीं हुआ, राइट। चाहो तो ला भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप यहां पर जैसे रूल है तो चाहो ले भी आओ। अब बताइए मार्केट ने कहां पर अभी सपोर्ट लिया, ये जो हाई है ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करता है, ये देखिए मार्केट वहीं पर सपोर्ट ले रहा है, ले रहा है। अगर मार्केट किसी रीजन से गिर जाए तो कहां सपोर्ट लेगा, यहां पर, ये सपोर्ट है इसका बहुत अच्छा। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बताएं कौन सा स्टॉक की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की, यस बताएं, मार्केट कुछ गलत कर रहा है क्या यहां पर? अब चूंकि मार्केट ने यहां पर हाई दे रखा है तो देखिए क्या हुआ, मेरा हाई ये लग गया कि नहीं लग गया, और लो चूंकि ऊपर ब्रेक हो चुका है तो लो मेरा ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताएं मार्केट को क्या करना चाहिए, कल परसों जब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो मार्केट को क्या करना चाहिए बता दें, हाई तोड़ना चाहिए सर, तोड़ना चाहिए रूल के मुताबिक, तोड़ना चाहिए कि नहीं? और अगर हाई नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, अब ये बता दें, बाय साइडवेज चलता रहेगा। अगर बाई चांस मार्केट नहीं हाई तोड़ता है तो उस केस में दूसरी बाय मेरी कहां पर बनेगी, दूसरी बाय ओपन से ऊपर, ओके, यहां बनेगी। और अगर बाई चांस इसको नीचे तोड़ देता है तो मेरी सेल आ जाएगी, राइट या रॉन्ग बताएं, क्लियर है कि नहीं है? मतलब मार्केट को, मार्केट के साथ में अगर आपको चलना है तो आपको बाय कहां पर लेनी पड़ेगी, यहां पर, इसके ऊपर बाय बनेगी मेरी। अब अगर मार्केट कल, अब देखिए एक चीज और छोटी सी, एक चीज और ध्यान रखना कि मार्केट अगर ऊपर जाकर नीचे क्लोजिंग देता है यहां पर नीचे लो पर, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट दोबारा लो पर ही खोल दे। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट अक्सर लो पे ही खुलेगा और वहां से आपको बाय दे सकता है, नंबर एक। दूसरा, मार्केट अगर ऊपर गया और फिर नीचे आने के बाद उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, सुनते रहे ध्यान से, मार्केट अगर नीचे आया लो के पास में और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट अगले दिन या तो इसके बराबर में खुलेगा या इससे ऊपर खुलेगा, क्लियर? मार्केट, दूसरी बात, मार्केट अगर ऊपर गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब अगले दिन मार्केट या तो बराबर में खुलेगा या नीचे खुलेगा, ऊपर भी खुल सकता है, ऐसा नहीं कोई कंपल्शन ही है कि नीचे ही खुलेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि नीचे खुलेगा,
क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने नीचे आया और इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि कल परसों जो मार्केट खुलेगा या तो यहां पर खुलेगा या ऊपर खुल सकता है, राइट। लेकिन आपको बाय कब मिलेगी, आपकी बाय आएगी इसके ऊपर, राइट, बाय उसके ऊपर ही है, बाय नीचे मिलेगी नहीं, आप उसके ऊपर ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हैं अपना, मतलब इतनी। सर इसमें टारगेट्स कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, कोई सटीक तरीका? अब आपका टारगेट पे बात आती है, टारगेट को आप दो तरीके से डिसाइड करें, नंबर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि टारगेट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। देखिए इसमें मैंने 15 मिनट का टारगेट लगाया, 15 मिनट का टारगेट आपका क्या बोलता है मैं दिखा देता हूं आपको, 15 मिनट का टारगेट जहां से मार्केट ने एक डाउन लिया है, जहां से मार्केट ने डाउन लिया है, अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, मेरी बाई यहां से शुरू हो रही है ऊपर से, तो मैं ऊपर से टारगेट निकालूंगा, ठीक है। तो यहां से मार्केट देखिए नीचे गिरा, कहां तक गिरा, यहां से पकड़ा आपने, और कहां तक नीचे गिरा, यहां तक, राइट, ये जगह, तो मैं यहां पर ले लेता हूं स्टेप, ये देख रहे पक्का इतना ही है कि नहीं है बताएं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, पीछे वाले की बात नहीं कर, जी सर, ये वाला, ये मेरा टारगेट है। अब टारगेट कैसे है, इसी को उठाएं और ऊपर लगा दें, लगा दिया मैंने, अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गया, अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गया सर, ये आपका टारगेट देखने की जरूरत नहीं है, कर लें पीवर पॉइंट, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर पीवर पॉइंट को अपने साथ में ले लें, वो सब आपके एडिड है, एडिड का मतलब मर्जी है आपकी, उसमें कभी भी लगा लें। ये देखिए आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर 15 मिनट में बात करता हूँ, अभी पीवर के ऊपर है, और अगर इसके ऊपर जाएगा, अगर इसके ऊपर बाय करते हैं तो कम से कम इस सपोर्ट के ऊपर बाय करें, राइट, ये बोल रहा है ना आपको, बताएं सर। इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये चीज को स्ट्रेटेजी चेक कर रहा था, दो दो घंटे के जो कैंडल होते आवरली कैंडल, तो मैंने बीच में स्टडी कर रहा था, तो दो घंटे के कैंडल का हाई और लो देख मार्क करके, और फिर देख रहा था कि इसका ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड्स देख रहा था, ये स्ट्रेटेजी मतलब मैं दो घंटे के उस वाले पे इसलिए कर रहा था। हाँ कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये असल में क्या होता है, मार्केट डेली के अपने हाई लो बनाते हुए चलता है। जैसे आपको स्टॉक बोले, देखिए मैं आपको रैंडम स्टॉक उठाता हूँ, कोई भी बोले स्टॉक, ए टू जेड, भारत फोर्ज, कौन सा सर, भारत फोर्ज, चलो भारत फोर्ज को बात करते हैं, कोई सा भी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है, क्लियर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती, मैं केवल इस चीज को चेक करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने भारत फोर्ज को देखता हूं, मैं आपके सामने ही देख रहा हूं इसको, और अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। मैंने यहां से क्या किया, तीन दिन दो दिन, चलिए यहां से शुरू करते हैं, ये मैंने शुरू किया, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। हाई कौन सा है, 27 तारीख से बात कर रहा हूं मैं, राइट, चलने शुरू करते हैं, ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है, राइट, यही है। मार्केट कहां खुला बताएं, अगले दिन जल्दी से बताएं, मार्केट सही जगह खुला था क्या, ऊपर ही था, नहीं सर, नीचे सर, यस, आपको बाय कहां पर करना था, बाय कब बनता था, हाई के ऊपर, ऊपर ही था भाई, हाई का ऊपर सर, हाई के ऊपर, मार्केट अच्छा खासा ऊपर रहा, सपोर्ट लेने भी नहीं आया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट जो था, देखिए मार्केट ये क्लोज हो गया, तो मार्केट का लो तो रहा ये और मार्केट का हाई रहा ये, राइट, सही बोल रहा हूं, 31 को 31 को देखिए आपको कोई ट्रेड मिला, यस और नो सर, लेकिन पहला वाला लो तो ब्रेक नहीं किया ना, क्या बोल रहे हैं, वो लो वाला लाइन उधर ही रहेगा ना, हाँ लो वाली लाइन वही रहेगी, लो वाली लाइन यही, नहीं पहले वाला लाइन लो की है, देखिए पहले वाली लाइन भी होती, लेकिन इसने हाई ब्रेक कर दिया ना, हाँ लेकिन लो ब्रेक नहीं किया ना आपने, पहले बोला कि लो ब्रेक करने के बाद, नहीं वहाँ कंफ्यूजन है, एक मिनट कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को मत रखिएगा। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को जरा ध्यान से चेक करें, पिछले पहले वाला लो कौन सा था, ये वाला था ना, बराबर, पहले वाला हाई कौन सा, ये वाला था ना, बराबर, राइट, अगर आपका हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो उस दिन का जो भी लो होगा वो ये लो इसमें चेंज हो जाएगा, क्लियर है, मतलब जिस दिन
जिस दिन ने इसके हाई को ब्रेक किया, जिस दिन ने हाई को ब्रेक किया उसी दिन का लो भी शिफ्ट करना है। हाँ, लो भी चेंज हो जाएगा उसी टाइम पर। तो आपका लो अब मेरा बन गया इस दिन का लो, राइट, क्लियर, और हाई मेरा ये बन गया, क्लियर है कि नहीं है, बताएं बात समझ में आ गई सर? जी सर, बात समझ में आ गई? यस सर, यस। तो दोबारा से चेक करें, एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम वीक का आई लो पकड़ के चलते हो तो क्या होगा सर? वीक का असल में बहुत लंबा हो जाएगा, ये मैं इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये मैं केवल इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ओके सर, ओके। सीएनसी में काम नहीं लगेगा सर? सीएनसी में ये वाली स्ट्रेटेजी काम में मत, सीएनसी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, ये केवल इंट्राडे के लिए, ये केवल इंट्राडे के लिए बस, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ से आप देखिए अगले दिन 31 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला ना? नहीं, नहीं मिला ना, छोड़ दिया आपने। आप बताइए, अगर यहाँ पर ट्रेड लेते भी तो कोई फायदा मिलता आपको? बताए, यही घूमता रहना मार्केट, आपके स्टॉप लॉस ही हिट होते जाते, राइट, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन देखिए क्या हुआ, अगले दिन इसने हाई को ब्रेक किया ना, right. हाई को ब्रेक कर दिया, तो मेरा लो कहाँ पर चेंज हो जाएगा? लो मेरा यहाँ पर चेंज हो गया, इसके लो पर। अच्छा, मतलब हाई चेंज हो गया, हाई ब्रेक करेगा तो लो शिफ्ट करना है, लो शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए मेरा हाई चेंज हो गया ना यहाँ पर, अब राइट या रॉन्ग, अब ये बन गया। अब क्या हुआ, अगले दिन देखिए दो तारीख को आपको ट्रेड मिला क्या कोई, ये बताएं? नहीं, दो तारीख को ट्रेड मिला नहीं है ना, देखिए कोई ट्रेड नहीं था, देखिए दो तारीख को, तीन तारीख को ट्रेड मिला, यस, लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था सर? इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अब नीचे आ जाएगा, मतलब सब्जानी में क्या बोल रहे हैं सर? जैसे 10-20 पॉइंट ऊपर गया ये, पर वापस आके वहीं पे बैठ गया ओपन पे अपना एग्जिट सर। इसको आप एक काम करें, यहाँ पर आपने इंडिकेटर, हमने इंडिकेटर करे खुद सारे, यस और नो? नहीं सर, अभी दो चार के थे। हाँ नहीं, इंडिकेटर का मतलब हमने इशिमोकू क्लाउड करा, यस और नो? यस सर, यस सर। क्या आप इशिमोकू क्लाउड को यहाँ पर लगा सकते थे, यस और नो बताएं, लगा के बताएं, ये इशिमोकू क्लाउड है। जरा मेरे को इशिमोकू क्लाउड को सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाए, एक दो मिनट पर, और क्या देखने को मिल रहा है जरा ये बता दे, मैं इसको हटा देता हूं। समझिए, कहां से रिवर्सल लेगा वो, सबसे छोटे टाइम से रिवर्सल लेना शुरू कर देगा। कौन सी जगह थी रिवर्सल की बताएं? ये गया ना मार्केट ऊपर, गया, ये रिवर्सल ले लिया कि नहीं ले लिया? एक मिनट की बात कर रहा हूं मैं, अगर मार्केट को बाय में रहना है तो कम से कम एक मिनट में भी ऊपर रहेगा, समझिए। और अगर मार्केट को नीचे आना है, देखिए एक मिनट के क्लाउड से नीचे आ गया, तो तब तक आप इसमें बने रहेंगे जब तक कम से कम एक मिनट का क्लाउड भी ऊपर चल रहा है। आप देखिए यहां पर, आप अगर यहां पर बाय करते हैं, देखिए ऊपर ही था ना, नीचे आने के बाद भी था, नीचे तो नहीं आया मार्केट, देखिए ये नीचे आने के बाद भी ऊपर ही गया। यहां पर चेक कीजिए सर, इसमें तो लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया ना इसका, तो जहां पे इधर एंट्री किया है तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी फिर दोबारा एंट्री लेना पड़ा। बिल्कुल, लेकिन आप एक काम और करते, देखिए यहां से आपका ऊपर भी गया होगा ये, आप चेक कीजिए, आप यहाँ पर इतनी देर वेट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 788 थे और ये आपका 798, क्या आप स्टॉप लॉस सेल नहीं करते? 88 से 10 पॉइंट ऊपर जा चुका मार्केट, कुछ तो ट्रेल कर ही लेते, एक दो पॉइंट तो ट्रेल कर ही लेते, तो नुकसान ऐसा नहीं, मान भी लिया स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने मान भी लिया स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से एंट्री हो गई ना, क्यों, क्या आपका लॉस कवर नहीं हुआ? जी तो ये चीज आप करके रख सकते हैं बड़े आराम से, राइट। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि हम लोग डिलीवरी वाले में सीएनसी में करना चाह रहे हैं, उसके लिए बताइए सर, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा वो रहता है, तो उसके लिए वन डे में कैंडल देखना, एक सेकंड सर, क्लाउड के साथ ये देखिए अभी बाय में चल रहा है, देख रहे, ये बाय में आया, बाय में चल रहा है,
लेकिन इसका कैंडल देखिए रेड वाला क्लाउड गलत बन रहा है, तो पॉसिबल है बड़ा मिला सर। और वो भी वाइड है सर, एज पर नॉर्म्स नहीं है वो भी, अभी भी क्लाउड भी एज पर नॉर्म्स नहीं है। यस, क्लाउड भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अभी इशू हो सकता है इसको। ठीक है, इसको अगर लेके आपको वो पकड़ना है, ठीक है, चलिए अगली वाली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा सीएनसी कैसे ली जाती है। क्लियर है सर? थोड़ा सा हिंट दे दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। आप देखिए एक काम करें, आप क्या करें, आप इसे एक घंटे में बाय ढूंढें, समझे? ये देखिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ सीएनसी उठाने का, और आप क्लाउड के बेस पर ही सीएनसी उठाएं। आप देखिए एक घंटे में क्लाउड से बाहर निकला कि नहीं निकला, यस और नो? निकला, यस सर। अगर आप सीएनसी तक रहे हैं तो यहां से 30 पॉइंट का एसल्ट बना लें, 30 पॉइंट का। जरा मेरे को एक छोटी सी चीज बताएं, मैं आपको पीछे से दिखाता हूं, कोई भी जगह जब ये बाहर निकला हो, यही है सपोज जगह, ये जगह। आप मेरे को ये बताएं कि अगर मैंने यहां से 25 क्वांटिटी उठा ली सपोज, और मैंने 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का वो लगा लिया एसएल, कितने का एसएल हो गया बताएं, कितने का हो गया? 750। 10 का कितना होगा? 250। 20 का कितना होगा? 500। और 30 का कितना होगा? 750। कितने का एसएल बना? 750 रुपीज का, राइट? 25 स्टॉक पे। क्लियर बोल रहा हूं? जी सर, यस सर। आपका 750 का स्टॉप लॉस बना। अब आपको इसमें कब तक बने रहना है, ध्यान से सुनते रहिए, आपको कब तक इसमें बने रहना है। आपका स्टॉप लॉस लगेगा लगभग क्लाउड के नीचे। अब जब तक ये क्लाउड से नीचे ना आ जाए एक घंटे में, भले ही ऊपर नीचे कितना भी करते रहे, रोज डराएगा ही आपको, रोज डराएगा नीचे आते हुए, लेकिन जब तक ये इस क्लाउड से नीचे नहीं आ जाएगा, आप इसके नीचे आएंगे ही नहीं। अब आप बताइए, आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और इसने कितने पॉइंट दिए, जरा आप कैलकुलेट करके बता देंगे इसमें इसको, जब भी नीचे आया हो, जब भी नीचे आया, ये आया नीचे, कितने पॉइंट दिए इसमें, आप कैलकुलेट कर दें बस मेरे को, यहीं से लगा लीजिए, कहीं से भी लगा लीजिए, ये लगा लिया मैंने 587 से और ये यहां पर आया 647, कितने पॉइंट हो गए जरा बता दें? यस 60 पॉइंट। कितना बताया मैंने? 647। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, राइट? मैंने यहाँ पर 60 पॉइंट हो गए ना, तो आप 60 × 25 यही तो हुए। आप बताएं कितने हो गए? 1500 रुपए। देखे गया ना मार्केट आपको? मिल गया सर। तो 1:2 नहीं मिला क्या आपको? बताएं, केवल आपको एक ही तरीका करना था, एक घंटे में 5 मिनट में बार बार नीचे आता। देखिए इतना बुरा डाउन भी दिया इसने, इतना बुरा डाउन भी दिया, लेकिन क्लाउड से नीचे तो नहीं आया। और आपको डर केवल यहां पर होगा कि ये ना गिर जाए, ऊपर जाके तो डर ही नहीं है आपको कोई भी। बताएं है क्या ऊपर? यहां पर डर लगेगा? आपने यहां पर बाय किया हुआ, यहां डर लगेगा? मतलब ही नहीं होता। यहां डर लगेगा मतलब ही नहीं होता, यहां डर लगेगा मतलब ही नहीं होता। नहीं सर, तो प्रॉफिट में बैठे हो राइट, कहीं पर भी उठा ले, जब भी मार्केट ऊपर गया। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिया 10% मिल गया सर एक महीने। और क्या, ये देखिए 612 पे मैंने उठाया। आप बताइए मार्केट कहाँ पर आया? देखिए 612 पे ही वापस आ गया, 621 पे आया। बताए नुकसान दिया? बताए नहीं है ना, 12 पे खरीदा था, 21 पे बेच दिया, तब भी कोई नुकसान नहीं आया, कोई सा भी टाइम। ये देखिए इसमें बहुत अच्छी और पूछना था, परसों आपने जो विवेक का बोला, तो विवेक तो स्टार्टिंग में पूरा नैरो रहता है, और हम जो एक मिनट नहीं नरेंद्र जी, अगर वीवैप की बात करते हैं तो उसको कम से कम 1-1.5 घंटा जाने दें। ओके, क्लियर है? सुबह 9:15 से कम से कम 10:30-10:30 तक जाने दें। मैं कल उसके ऊपर बहुत सर्च किया, तो इतना पता चल रहा है कि कभी कभी फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी रहती है कि वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, उसको कम से कम ना, क्योंकि पहला जो वीवैप होता है ना, वो आपको इशू करता है, क्योंकि तब तक वीवैप बना नहीं होता ठीक से, तो वीवैप अच्छी तरह से कम 10:30-11 बजे काम करेगा। अच्छा सर, एक चीज पूछा था, ये सिल्वर माइक्रो जैसे कल चल रहा था, मैंने लेवल्स बनाए थे उसके ऊपर काफी गया था, लगभग मेरे सामने ही लगभग 1500 पॉइंट्स के आसपास वो गया था, और मैंने कैप्चर नहीं किया था डर के मारे,
मैंने क्या चूंकि प्रैक्टिस नहीं थी उसमें सर स्टॉप लॉस मतलब कि कितने पॉइंट्स के लिया जाता है? स्टॉप लॉस कम से कम 1000 पॉइंट का लेंगे आप। माय गुडनेस जी सर, उसमें गुडनेस की बात ही नहीं। आप सोचो ना, ये सोचो 1000 पॉइंट के स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस, एक पॉइंट का तो मूवमेंट है उसका। जी 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 जी, आप बताइए अगर 1000 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रखा है तो 1000 पॉइंट का ही मूवमेंट मतलब वो है लॉस है आपका, तो उसमें बुराई क्या है बताएं सर? और ऑप्शन में क्या करेंगे? ऑप्शन में बिल्कुल सर, ऑप्शन पकड़े कोई भी सेम ऑप्शन की बात। मैं डॉक्टर रेड्डी का लिया था, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर रेड्डी के ऑप्शन की बात करते हैं। डॉक्टर रेड्डी कौन से लिया हुआ है सर? सितंबर 5500 नहीं, कौन सा 5500 का कॉल देखते हैं इसको, ये कॉल है ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इस कॉल को अभी ऊपर जाने का है। देखिए 21 पहुंच गया वो बाई कॉल, इसका मैंने हटा दिया था सर। मैंने 8 पे दिया, अब क्या हटा दूं इसे? हाँ हटा दो, पैसा तो दे ही रहा होगा ना। हाँ 1500 हो गया आसपास उधर है। आप सोचो ये मैंने उस दिन हटा दिया था, और मैंने क्या हटा दिया, गलती से हट गया, मैंने भी 8 पे लिया हुआ था इसको सर। और मेरे लेते ही ना 6 चले गया, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। नहीं है पता था ये ऊपर आना ही है। अब देखिए आ गए ना ऊपर, अब देखिए 8 से कहाँ, 8 से और कहाँ ऊपर गया होगा 30-32। हाँ सर 4000 का भी दे रहा था एक टाइम पे, पर फिर एकदम से नीचे आ गया। अभी आराम से अभी भी निकाल दे इसको, अभी निकाल दें क्योंकि मार्केट एक बार हल्का डाउन ले सकता है, अभी हो सकता है पॉसिबल डाउन ले ले। लेकिन या तो एक काम करें, इसको 8 के बजाय आप कम से कम 15 के आसपास इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, वो सबसे अच्छा है। ओके सर। क्या पता ये ऊपर भाग जाए, मार्केट अगर ऊपर टूट गया तो तेजी से ऊपर जाएगा, कम से कम 300 पॉसिबल है। तो अगर चला गया तो अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। ये मैंने इसको रखा नहीं, मैं तो आप जो हाई लो पर बोल रहे थे उसको एक साइड पर हो गया, जब ये डाउनवर्ड में मार्केट चल रहा होगा या स्टॉप कर रहा होगा तो लो ब्रेक करेगा, तो वो हाई को लो ब्रेक करेगा, आप शुरू हो जाइए उसी के सेम चीज। अच्छा बिल्कुल सेम, लो ब्रेक करेगा तो हाई शिफ्ट करने का, ये सब हाई शिफ्ट कर दो नीचे। मैं एक काम करेंगे मंडे को हम इस पर काम करके देखेंगे थोड़ा सा, क्लियर है? ओके ओके, मंडे को काम करके देखेंगे थोड़ा सा, चलेगा तो पता नहीं, क्लियर है? चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, मेरे ख्याल से आपकी क्लास शायद वेस्ट हुई आपकी, मैं ज्यादा शायद करा नहीं पाया सर, वेस्ट हुई सर, आज की तक सुस्त गई सर, हमारे डायरेक्शन को चलकर चली गई, मैंने कुछ और कराना था पर कुछ और नहीं। गुड नाइट सर। ओके चलिए गुड नाइट।